यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 15,699 कॉइन्स है। अभी अगर मैं सेल करना चाहूँ तो $149 गैप पे $200 क्रॉस कर गए, ठीक है ना, ये दो तीन दिन पहले। अब अगेन ये ऑलमोस्ट $150 के राउंड अबाउट है, लेकिन ये प्राइस अप एंड डाउन क्रिप्टो में आता रहता है। मैंने इसको होल्ड किया, जैसे ही अच्छी प्राइस मुझे लगेगी मैं इसको फिर सेल करूंगा। ये होती है फ्री क्रिप्टो माइनिंग एप्स की पावर, ये है पोटेंशियल आपके सामने आने का, ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो कॉइन्स हैं वो क्यों माइनस हो रहे हैं और हमारा माइनिंग रेट जो है वो भी क्यों जीरो हो चुका है और कितने लोगों ने जो है ना वो अपना क्विज पास कर लिया और कितने लोगों ने फेल किया। जो फेल हो चुके हैं उनको अगेन इसमें क्विज करने का मौका मिलेगा या नहीं, अब इन शॉर्टली वो आई से फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आइस की प्राइस प्रिडिक्शन करके बताऊंगा कि अब इसकी प्राइस जो है ना वो कितनी रहने वाली है और इसकी जो अभी टोटल सप्लाई है वो कितनी होने वाली है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी ऊपर आपको यहाँ पे होम पेज पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, एड यूर BNB स्मार्ट चेन एड्रेस। ये ऑप्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसी ऑप्शन की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अपना जो है ना रिसीविंग एड्रेस मैंने बहुत दफा ये बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है कि अपना रिसीविंग एड्रेस लगा लें। अब रिसीविंग एड्रेस कौन सा होता है ये देख लें, एक दफा अगेन देख लें, मैंने पहले भी बताया। थोड़ी सी अगर मैं स्क्रोलिंग करूं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं BNB स्मार्ट चेन एड्रेस, ये मैंने मेटामास्क से दिया है। ये किस तरह देना है मैंने प्रैक्टिकली इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी काफी सारी, आप लोग देख सकते हैं जो इस वीडियो पे न्यू है, ठीक है। जो ओल्ड व्यूवर्स हैं उनको तो ये सारी चीजें पता है। ये एड्रेस का बेसिकली मकसद ये है कि हमने इस एड्रेस के ऊपर अपने कॉइन्स को रिसीव करना है। जो मेटामास्क में हमें कॉइन्स आइस शो होते हैं ना वो इस एड्रेस के थ्रू होते हैं। हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, हमारे कॉइन्स वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। कैसे जाना है, कैसे एड्रेस देना है और किस तरह विड्रा लेना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। आप प्रीवियस वीडियोस को चैनल को विजिट करें, वॉच करें और अपने सारे टास्क जो है ना वो कंप्लीट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के क्विज फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इससे भी पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, हम चलते हैं इनके ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना एक मैसेज किया है कि जी एक नोटिफिकेशन हमें दिया है, अब बिग थैंक यू टू दी 1.1 मिलियन यूजर्स हु पास द क्विज, यानी कि 1.1 मिलियन लोगों ने अपना जो है ना क्विज पास किया है और यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट 2.65 मिलियन ने अपना जो है ना वो क्विज फेल कर दिया है, ठीक है ना। अब उन लोगों को यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन शॉर्टली उन लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, उनकी माइनिंग, हाँ जिनकी माइनिंग भी डिसेबल्ड हो चुकी है, ठीक है, डेफिनेटली जिनका जो है ना वो क्विज नहीं हुआ, फेल हुआ, उन लोगों की जो है ना वो माइनिंग को डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है। सो उन लोगों का जो है ना वो सफर खत्म हो चुका है, आइस के साथ मजीद कोई सफर नहीं है, ठीक है, और उन लोगों को यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा, वो सिंपली अपने आइस को जो है ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, उन लोगों ने जो है ना सारी इनके जो है ना वो क्विज को पास नहीं किया, वीडियोस को नहीं देखा, अब मैं नहीं मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं स्किप करके वीडियोस को देखते हैं, पूरा देखते हैं ना सुनते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, ठीक से ऐसे ही भाग जाते हैं। सो फिर उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। अब जो लोग ये 1.1 मिलियन कम्युनिटी है, ठीक है ना, उनमें से हम भी हैं और मेरे बहुत सारे जो है ना वो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन लोगों ने जो है ना अपने क्विज को पास किया, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन लोगों ने जो है ना वो अपने क्विज को पास कर लिया है। अब उन लोगों के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो उन लोगों ने जो है ना अपने क्विज को पास कर लिया, सिंपली वो क्या है, टाइम देते हैं, थोड़ी सी रिसर्च खुद करते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले भी बताया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट देता हूँ ना मैं तो आपको यहाँ पे उसका ओवरव्यू देकर चला जाता हूँ और अपडेट्स भी देता हूँ, लेकिन मजीद आप खुद भी कम अज कम 1 घंटा एक प्रोजेक्ट पे ऊपर लगाया करें, फिर यह है कि आपको सारी चीजें जो है ना खुद समझ आ जाएंगी कि इसका बेसिकली पोटेंशियल क्या है, थीम क्या है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें 26 लाख लोग ऐसे हैं, ठीक है, पूरा साल उन्होंने माइनिंग की, इतनी मेहनत की, एट द एंड उनको जो है ना उनकी मेहनत का फल क्या मिला, जीरो, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना मतलब सही तरीके से इसके ऊपर मेहनत नहीं की। मेहनत तो की लेकिन जो साथ साथ अपडेट्स आती रही, साथ साथ काम करना था, KYC वगैरह करनी थी, क्विज करना था, वो नहीं किया, इसको ईजी लिया, सीरियस लिया ही नहीं, ईजी में लेके अपने सारे अटेम्प्ट फेल किए और अपने सारे जो है ना अटेम्प्ट को फेल करके जो है ना वो आइस से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ जी आइस एप्लीकेशन में, यहाँ पे एक चीज और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये भी बता देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे देख ले मेरे पास जो है ना 3,58,000 जो है ना वो कॉइन्स अभी बाकी है, ठीक है। मुझे लगता है 28 डेट तक ये मेरा ख्याल है कि 1 लाख और चला जाएगा, पिछले कुछ दिनों में मेरा 1 लाख
कोइन माइनस हो चुका है। यहाँ पे अगर हम आए ना यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये देखें मैं मार करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हर घंटे में मेरे 700 600 800 ठीक है, इवन के यहाँ पे अगर आप देखें आपको 1000 कोइन भी जो है ना 2000 कोइन भी नीचे यहाँ पे ना हर घंटे में माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों माइनस हो रहा है आप लोगों का भी जो है ना वो क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि हमारी जो टीम है मेरी टीम है इस तरह आप लोगों की भी जो है ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आगे टीम्स हैं, उन लोगों ने क्विज नहीं किए, अपने केवाईसी नहीं किए, अब हमें जो अपनी टीम के थ्रू रेफरल रिवार्ड मिल रहा था या मिला है अब वो सारा कट जाएगा जिन लोगों ने क्विज नहीं किए। अब बहुत सारे हमारे रेफरल ऐसे हैं जिन लोगों ने केवाईसी किया है, क्विज किया है, वही हमें रेफरल रिवार्ड मिलेगा ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मुझे तो ये देखें यहाँ पे जो है ना अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये देखें 29,000 जो है ना वो आइस की तरफ से ब्लॉकचेन में अगर देखें आप तो कॉइन्स मिल चुके हैं ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में मुझे जो है ना 15K प्लस कॉइन्स मिल चुके थे और सेकंड जो है ना इनकी जो माइग्रेशन हुई है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसमें भी जो है ना मुझे 14K प्लस जो है ना वो मिल गए, लेकिन अभी तक ये मेटामास्क में नहीं गए। अब ये भी बहुत सारा जो है ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि अब ब्लॉकचेन में तो आ गए मेटामास्क में नहीं गए, ये भी होपफुली जो है ना 28 डेट के बाद जो है ना हमारे मेटामास्क में चले जाएंगे ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, आपके यहाँ पे ब्लॉकचेन में शो हो गए तो समझ लें आपको मिल गए, उसमें घबराना नहीं, आपने जो भी एड्रेस दिया है वहां पे आपके चले जाएंगे। और एड्रेस की एक और जो है ना बात माइंड में आ गई है कि आपने एड्रेस जो है ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लगाया, अगेन OKX के साथ उन लोगों का बात सीधी हो गई है वो, तो आप OKX से भी लगा सकते हैं, OKX वॉलेट से भी लगा सकते हैं, मेटामास्क से भी लगा सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से भी लगा सकते हैं ठीक है। सो होपफुली ये चीजें भी आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है ना वो सप्लाई और इसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी हम यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, यहाँ पे आके स्टैट्स के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे इनके टोटल कॉइन्स देखें 8.67 बिलियन रह गए हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि 31 बिलियन कॉइन्स थे, कितने कॉइन्स जो है ना वो स्लैश हो चुके हैं, माइनस हो गए हैं, कट गए हैं, बर्न हो गए हैं ठीक है ना। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी सप्लाई रह गई है, अभी यही नहीं अभी और भी कम होगी, अभी जो है ना ऑलमोस्ट 4-5 दिन रहते हैं 28 डेट को, मैंने पहले भी बताया एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि आइस की तरफ से हमें कितना जो है ना एग्जैक्टली अमाउंट मिलेगी, कितने हमारा बैलेंस होगा, कितनी हमारी अर्निंग होगी एग्जैक्टली अमाउंट ठीक है 28 डेट को पता चलेगी। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती रहेंगी ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये 1 बिलियन या 2 बिलियन और जो है ना टोटल सप्लाई कम हो जाएगी ठीक है ना, बाकी हम देखेंगे 28 डेट को कितनी सप्लाई इसकी और कम होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस, अब अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में आइस की जो प्राइस है वो कितने परसेंट पंप हुई है ठीक है ना, बहुत ज्यादा पंप हुई है, ऑलमोस्ट जो है ना 40-50% जो है ना वो इसकी जो है ना वो प्राइस पंप हुई है। अगर आप OKX एक्सचेंज पे जाके देखें पहले ये 0.00 इस तरह समथिंग थी, लेकिन 0.01 पे आ गई इसकी प्राइस ठीक है, अभी भी इसकी प्राइस अच्छी चल रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे मेरे पास मेटामास्क में अगर देखें यहाँ पे भी प्राइस शो हो जाती है, क्योंकि जो कोई लिस्ट होता है ना तो वॉलेट का डेफिनेटली कनेक्शन होता है एक्सचेंज के साथ, तो यहाँ पे उसकी सारी प्राइस वगैरह वैल्यू सारी हर चीज जो है ना वो मेटामास्क में ही शो हो जाती है। मेटामास्क में देखें यहाँ पे जो मैं पहले आपको बताया रिसीविंग एड्रेस जो मैंने दिया है वो यहाँ से मेटामास्क से दिया है ठीक है, यहाँ पे मेरे कॉइन्स जो शो होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 15,699 कॉइन्स हैं। अभी अगर मैं सेल करना चाहूँ तो $149 के अगेन प्राइस थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये पहले $70 प्राइस शो हो रही थी ठीक है ना, फिर अचानक ये $200 क्रॉस कर गई ठीक है ना ये 2-3 दिन पहले, अब अगेन ये ऑलमोस्ट $150 के अराउंड अबाउट है, लेकिन ये प्राइस अप एंड डाउन क्रिप्टो में आता रहता है, मैंने इसको होल्ड किया, जैसे ही अच्छी प्राइस मुझे लगेगी मैं इसको फिर सेल करूंगा। ये होती है फ्री क्रिप्टो माइनिंग एप्स की पावर, ये है पोटेंशियल आपके सामने अर्निंग है ये आप देख सकते हैं ठीक है। इस तरह मेरी बहुत सारी टीम्स है उसने जो है ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अर्निंग की है, $100 $150 $200 बिल्कुल फ्री में यहाँ से जो है ना विड्रॉल ले भी लिया सेल भी कर दिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने होल्ड किया, मैं इसको थोड़ा होल्ड करके जब अच्छी प्राइस आएगी फिर सेल करूंगा ठीक है। सो ये सारी चीजें थी, अब ये है अभी इसकी प्राइस जो है ना 0.01 के राउंड अबाउट घूम रही है, मुझे लगता है कि होपफुली जो जल्दी ही हमें इसकी प्राइस देखने को मिलेगी $0.05 ठीक है ना, $0.05 जो है ना बहुत ही अच्छी प्राइस है, अगर इतनी आ जाती है तो आपके सामने है मेरे पास ये देखें कितने कॉइन्स है और आपके पास कितने कॉइन्स है, सो हमारी एक बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है यहाँ से ठीक है। सो ये मेरी प्रिडिक्शन है, बाकी जो है ना गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 0.05
$5 तक जो है ना इसकी प्राइस जा सकती है और बहुत जल्दी ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो सप्लाई कम होती जा रही है और इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका अपना मेनेट भी आ रहा है और ऊपर से बुल रन भी आ रहा है। बिटकॉइन आप देख ले, ठीक है ना, $51,000 को क्रॉस कर चुका है, 52 को भी उसने जो है ना वो टच कर दिया है। इसी तरह जो है ना आपको पता है सारे डिपेंड करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, जितने भी कॉइन्स हैं। सो मुझे लगता है इसकी प्राइस बहुत अच्छी जाने वाली है और इसी के साथ साथ जो है ना वो अथीन वगैरह और इसी के साथ साथ अवाई वगैरह वो सारी चीजें आपको अप नजर आएंगी। और इसी के साथ साथ बी नेटवर्क लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है, OKX के ऊपर बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है और अवाई की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, ये भी आपको इसी वीडियो में बता दिया, ठीक है। सो होपफुली आपको आज वाली जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन, विड्रा अगर नहीं मिला, ये वो फलां, तो ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, जाके आप देख सकते हैं, चैनल को विजिट करें, सारी वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आज वाली वीडियो में बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।